अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपना टॉपिक जो है वो 13.7 रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर को पढ़ेंगे। देखिए, रिजॉल्विंग पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपके पास जो है वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है? आखिर ऐसी क्या वजह आती है कि आपको उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो है वो ज़रूरत पड़ रही होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जो है आपको इसी से तमाम बात समझ में आ जाएगी कि रिजॉल्विंग पावर होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जो है यहाँ पर ये एक दो चीज़ें बनाई, दो डॉट, ठीक है। अब अगर आप बहुत दूर से देख रहे हैं तो शायद आपको ये एक नज़र आ रहा हो, या अगर नज़र भी आ रहे हों तो ये बहुत करीब करीब नज़र आ रहे हों, लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप इन्हें सेपरेटली स्टडी करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ जाए और आपको दोनों डॉट बहुत अच्छी तरीके से नज़र आए। तो जितना करीब आप जाके देखेंगे, आपको डिस्टेंस उतना दूर नज़र आएगा दोनों डॉट से, और उतना ही अच्छा समझ में आएगा। तो इसी को कहते हैं रिजॉल्विंग पावर, कि जो आपके पास जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाए और आप ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें और ज़्यादा अच्छी तरीके से डॉट्स को देख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम दूर हैं, लेकिन दूर हैं, आपको शायद नज़र नहीं आ रहे होंगे। लेकिन आप अगर किसी माइक्रोस्कोप से, किसी जो है वो बैनकुलर से, यानी किसी भी जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से इसे देखेंगे, तो ये आपको बहुत दूर दूर नज़र आएंगे, और इसे आप इस पर जो लिखा हुआ है वो भी ज़्यादा अच्छी तरीके से देख सकेंगे। तो ये क्या हो गई, उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर हो गई। तो रिजॉल्विंग पावर क्या है, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ऐसी पावर जो कि दो चीज़ों के दरमियान के डिस्टेंस को बढ़ा दे और हम और अच्छी तरीके से चीज़ों को स्टडी कर सकें, तो ये रिजॉल्विंग पावर होती है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई भी है, लिखा हुआ है, द रिजॉल्विंग पावर इज़ यूजुअली टेकन एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एट विच टू पॉइंट्स कैन बी सीन एज डिस्टिंक्टली, यानी जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है दो चीज़ों के दरमियान, उसे आप बहुत अच्छी तरीके से देख सको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इस बोट के ऊपर बैक्टीरियाज हैं, मैं देखने की कोशिश करूँगा, मुझे नज़र नहीं आएंगे वो, अगर नज़र आएंगे भी, वैसे तो आएंगे ही नहीं कभी भी नज़र, लेकिन चलो कोई ऐसी चीज़ है जो कि एक दूसरे से मिली हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे फिंगरप्रिंट, अगर मैं फिंगरप्रिंट को अपने आंखों से देख रहा हूँ, आप भी देखें, मैं जैसे देख रहा हूँ, तो अगर आप सही से गौर करें तो आपको बहुत ही कम होंगे फिंगरप्रिंट के दूर दूर नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल करीब करीब नज़र आ रहे होंगे। लेकिन आप अभी अपने फिंगरप्रिंट्स को माइक्रोस्कोप की मदद से देखें या मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखें, तो वो बहुत दूर दूर नज़र आएंगे आपको एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसी तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप की और टेलीस्कोप की, वो दूर दूर की चीज़ों को, वो करीब करीब की, बहुत ज़्यादा करीब करीब की चीज़ों को एक दूसरे से बहुत दूर दूर करके दिखाता है। तो इसी को कहते हैं हम रिजॉल्विंग पावर। अच्छा, तो अब रिजॉल्विंग पावर में आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पास क्या है। तो इसमें आगे लिखा हुआ है, द ग्रेटर द रिजॉल्विंग पावर द स्मॉलर द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट और लाइन्स दैट कैन स्टिल डिस्टिंग्विश। तो जितनी ज़्यादा किसी की रिजॉल्विंग पावर होगी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से दो चीज़ों के दरमियान का डिस्टेंस नज़र आएगा और आप उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से दो चीज़ों के दरमियान को डिस्टेंस को पता कर पाएंगे और उन चीज़ों को स्टडी कर पाएंगे। अभी जैसे कि मैंने ये दो डॉट बनाए, अब यही डॉट मैं ऐसे बना देता हूँ, आपको बहुत लंबा डिस्टेंस नज़र आ रहा है। अब इन ही डॉट्स को मैं बहुत छोटा करके आपस में बना देता हूँ, ठीक है, बहुत छोटा करके, तो क्या अब इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है? आप बोलेंगे सर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप किसी माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो ये आपको इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा डिस्टेंस नज़र आएगा। तो यही चीज़ होती है रिजॉल्विंग पावर, के जो डिस्टेंस आपको आँख से नज़र ना आ रहा हो लेकिन किसी जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से नज़र आ जाए, तो इसको कहते हैं हम रिजॉल्विंग पावर। इसकी डेफिनेशन देखें, लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये किसी भी जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है कि टू फॉर्म सेपरेटली इमेजेस ऑफ क्लोज ऑब्जेक्ट, तो दो मिली हुई चीज़ों को अलग अलग करके दिखा दे। जैसे कि ये दो मिली हुई लग रही हैं चीज़ें, लेकिन अगर आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखेंगे तो इनके दरमियान जो बिल्कुल सुई बराबर का डिस्टेंस है वो भी आपको अलग नज़र आएगा, ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस लगेगा वो आपको। और जैसे कि आपके पास एक एटम है, आप आँख से तो नहीं देख सकते लेकिन आप ड्रॉ करते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं, तो यही होता है ना, आप यही काम करते हैं। तो यही काम एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी करता है, लेकिन वो एटम पे नहीं कर सकता, एटम और ज़्यादा छोटा होता है, एटम को वो सेपरेट करके नहीं दिखा सकता। जिस दिन हमारे पास कोई ऐसा माइक्रोस्कोप आ गया कि जो कि एटम को सेपरेट करके दिखाने लग जाए, तो स्टडी फिर बहुत आगे निकल जाएगी, ठीक है, बहुत सारे जो लॉस मौजूद हैं वो जो है वो फेल हो जाएंगे और बहुत सारी नई चीज़ें आ जाएंगी तालीम में।
लेकिन अभी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपके पास है नहीं, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटली और प्रूव की जाती हैं इनकी लाइंस को एटम की, ठीक है। ऑब्जेक्ट और टू सेपरेट क्लोज वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, और या तो फिर जो उनके दरमियान वेवलेंथ है उसको सेपरेट कर दे, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके पास रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, कि वो जो है चीज़ों के दरमियान के डिस्टेंस को ज़्यादा करके दिखा दे जो कि आपको आँख से नज़र ना आ रहा हो, इसको कहते हैं आप रिजॉल्विंग पावर। अब आता है आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाइंग पावर। देखो मेरे पास ये एक रुपये का सिक्का है, एक रुपये का नज़र आ रहा है आपको, आप बोलेंगे नहीं, तो मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करो जो कि इसको बड़ा करके दिखा दे। तो वो चीज़ जो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखा दे, कितना बड़ा करके दिखाया है ये चीज़ हम बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर आपके पास क्या होती है कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने किसी चीज़ को कितना बड़ा करके दिखाया, वहाँ पर था कि दो लाइन के दरमियान के सेपरेट को, दो लाइन के दरमियान के डिस्टेंस को कितना बड़ा कर दिया, ठीक है, वहाँ ये था रिजॉल्विंग पावर में। लेकिन मैग्नीफाइंग पावर में ये है कि किसी चीज़ को कितना बड़ा करके दिखाया। फॉर एग्जाम्पल, आपको आप जो है वो खाली आँख से देख रहे हैं तो इतना बड़ा नज़र आ रहा है आपको एक रुपये का सिक्का, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इतना बड़ा करके नज़र आता है आपको एक रुपये का सिक्का। और ऐसा पॉसिबल है, आप अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि डिस्टेंस जो है हमारे पास वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये काम किया, ये था विदाउट माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये है विदाउट माइक्रोस्कोप, ये है विथ माइक्रोस्कोप, विथ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप ने क्या किया, इस चीज़ को आपको बड़ा करके दिखा दिया। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो गई, अगर इसने इसको 100% बड़ा कर दिया ना तो इसकी 100% मैग्नीफाइंग पावर हो गई, अगर इसने इसको सिर्फ 5000 टाइम बड़ा कर दिया तो 5000 टाइम हो गई। तो बस यही आपके पास होती है। अब आपको इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या है मैग्नीफाइंग पावर का, ये होता है आपके पास रेशो, क्या रेशो होता है, इमेज हाइट या ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, इमेज हाइट को आप आई से लिखोगे, ऑब्जेक्ट हाइट को ओ से लिखोगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इसी फॉर्मूले को, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये दोनों तरीके हैं, आपको बुक में सिर्फ एक तरीका दिया हुआ है, यहाँ दो तरीके होते हैं, यानी कितनी बड़ी इमेज आई है और कितना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक मैग्नीफाइंग पावर आएगा, एक नंबर आएगा जिससे आपको जो है वो चीज़ों को स्टडी करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप कहते हो मैग्नीफाइंग पावर। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी, ये भी देख लेते हैं, मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज का रेशियो, ये आपके पास मैग्नीफाइंग पावर होता है। लेकिन बहुत जगह आपको ये लिखा हुआ भी नजर आएगा कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के दरमियान का डिस्टेंस भी मैग्नीफाइंग पावर में आता है। तो मैग्नीफाइंग पावर बस कुछ नहीं है, बस यही है कि किसी भी इमेज को कितना बड़ा करके दिखाया है हमारे पास किसी भी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट ने जो कि हमने इस्तेमाल किया है चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए। तो बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपके पास एक्चुअल ऑब्जेक्ट की हाइट थी ना जो कि आप मेजर कर सकते थे वो आपने की मेजर, और जो आपको अब माइक्रोस्कोप से नज़र आ रही है उसको आपने मेजर किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो वो आपको बता देगा कि 1000 टाइम बड़ा करके दिखा रहा है 1000 टाइम। तो यही चीज़ देख लेते हैं। और अक्सर जो है ना ये जो आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं या दूसरे जो इस जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं ये 100 टाइम्स से ज़्यादा किसी चीज़ को बड़ा करके दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया नज़र आते हैं आपको आपकी आंखों से नहीं, लेकिन आप उन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, आपके सेल ब्लड सेल आपको आपकी आँख से नज़र नहीं आते लेकिन आप वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। इसी तरह से और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो जो है ऑर्गेनिज्म आप देख सकते हैं। तो यही काम इधर जो है हम ले रहे होते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, देख भी लेते हैं क्या कहा जा रहा है। मैग्नीफाइंग पावर इज़ यूजुअली टेकन एज द अपेरेंट इंक्रीज इन एंगुलर साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड थ्रू अ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और बाइनोकुलर। बाइनोकुलर उस वक्त शायद मैंने बाइनोकुलर बोल दिया था कुछ गलत, तो बाइनोकुलर होता है। यानी मैग्नीफाइंग पावर यही होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखाया हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने, अब कितने टाइम बड़ा किया वो आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हो। कंपाउंड विथ डायरेक्ट व्यू ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट विथ एन अनएडिट आई, अनएडिट आई यानी आप
आँख खाली आंखों से देख रहे हो, नंगी आंखों से देख रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरी आंखें ख़राब है, मेरे को उतना अच्छा नहीं नज़र आता जितना अच्छा एक आम आदमी देख सकता है। अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह ताला जिस हाल में रखे, तो मुझे उतना अच्छा नज़र नहीं आता जितना अच्छा एक आम इंसान देख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर चश्मा हट जाए, वैसे तो नज़र आएगा ही, लेकिन बहुत दूर कोई चीज़ है तो वो शायद नज़र ना आ रही होगी मुझे। लेकिन जैसे ही ये मैं लगाऊंगा लेंस, आंखों पे लगाऊंगा, चश्मा लगाऊंगा, तो मुझे वो चीज़ बड़ी करके नज़र आने लगेगी। तो ये एक चश्मा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैंने लगाया हुआ है और जिससे मुझे चीज़ें बड़ी नज़र आ रही हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये मैग्नीफाइंग पावर है इसकी भी एक खास, जो कि एक ख़ास तरह से चीज़ों को बड़ा कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इसकी मैग्नीफाइंग पावर वेरी करती हर रोज़, तो मेरे सर में दर्द हो जाता, बल्कि मैं अंधा ही हो जाता। क्यों? क्योंकि रोज़ बड़ी होती चीज़ें, रोज़ छोटी होती, रोज़ बड़ी रोज़ छोटी, अलग अलग साइज़ की नज़र आती, तो मेरा सर दर्द करता रहता। तो ये चश्मा एक ही साइज़ की चीज़ें हर बार करके मुझे नज़र आ दिखाता है। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर फिक्स है, हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर एक खास कंडीशन में फिक्स की जाती है। अच्छा, कुछ जो है वो मैग्नीफिकेशन यानी 100% तक कर देते हैं, यानी इतनी छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखा देते हैं। जैसे ये एक नुक्ता था, ये इतना था, इतना बड़ा करके दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, कुछ जो है वो और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास है, तो इसका अब हमारे पास आ जाते हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, तो वो करते हैं। डिफाइन द टर्म रिजॉल्विंग पावर, तो टर्म डिफाइन करने का बोल रहा है, तो बस इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, इट इज़ डिफाइन एज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म सेपरेबल इमेज ऑफ क्लोज ऑब्जेक्ट और टू सेपरेट क्लोज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, यानी दो दरमियान के डिस्टेंस जो है उसको बड़ा करके दिखा दे। तो ये आपके पास क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर होती है, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, इसको भी डिफाइन करना है। डिफाइन द टर्म मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज। तो ये जो है वो रेशियो होता है इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज का, और अगर इसको वैसे समझे तो कितना बड़ा करके इसने चीज़ को दिखा दिया, ये आपके पास मैग्नीफाइंग पावर होती है। अब आई होप समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा टॉपिक था, इसमें दो ही चीज़ें बतानी थी। अब इसके बाद आता है आपके पास माइक्रोस्कोपी, या माइक्रोस्कोप होगा मेरे ख्याल से, तो माइक्रोस्कोपी लिखा हुआ है। तो उसके अंदर आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसको इसके बाद वाले टॉपिक में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा। अगर समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह गाइड आपको कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।